दिल्ली में झुलसाती धूप से लोगों को जल्द थोड़ी बहुत राहत मिल पाएगी। चार दिन आंधी और बारिश वाला मौसम रहने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली में चार दिन धूल भरी तूफानी हवाओं के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान कुछ इलाकों में लोगों को लू भी परेशान करेगी। IMD की माने तो दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गौरतलब है कि राजधानी की जनता पिछले महीने के दूसरे पखवाड़े से ही भीषण गर्मियों का सामना कर रही है। इस दौरान 6 दिन ऐसे रहे हैं जब दिल्ली की मानक वैधशाला सफदरजंग में लू की स्थिति बनी रही, लेकिन शनिवार को आंधी और हल्की बूंदाबांदी के चलते मौसम में हुए बदलाव से दिल्ली को 2 दिन की राहत मिली है। शनिवार को दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों से लू की स्थिति खत्म हो गई थी। वहीं रविवार को भी दिल्ली के लोगों को लू की स्थिति से राहत रही। तापमान हालांकि अभी भी सामान्य से ज्यादा है, लेकिन लू के गर्म थपेड़ों में थोड़ी कमी रही। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है, जबकि न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 दिन की हल्की बारिश के बाद सोमवार से फिर दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में लू की स्थिति रह सकती है। दिन के समय लोगों को लू के गर्म थपेड़ों का सामना करना पड़ेगा। तेज धूप के चलते खासतौर पर खुले में काम करने वालों और सफर करने वालों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जबकि रात के समय धूल भरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के बुलेटिन के मुताबिक 3 जून को दिल्ली, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भीषण लू चलने के आसार हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने ज्यादातर लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार बच्चे और बूढ़े ऐसे मौसम में घर से ना निकलें। इन राज्यों में रात में हो रही गर्मी से कुछ राहत मिली है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में ज्यादातर जगहों पर तापमान अभी भी 43 डिग्री या उससे ऊपर बना हुआ है। दिल्ली और हरियाणा में कुछ जगहों पर तापमान 45 डिग्री से भी ज्यादा बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में फिलहाल आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि इससे दिन के तापमान पर ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, दक्षिण भारत, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों में हल्की से मध्यम और कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश भी देखने को मिल रही है। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।